Hey guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a poem under American literature. So today we'll discuss about a poem, A Supermarket in California, and this poem was written by Allen Ginsberg. So हम देख लेते हैं कि हम इस poem की क्या क्या चीज़ें discuss करेंगे. So देखो, we'll discuss about the introduction to the poet, जो poet हैं Allen Ginsberg, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम, जो ये पोएम है अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, इसका पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यू कैन से समरी एंड एनालिसिस, बोथ द थिंग्स विल डिस्कस. आफ्टर दैट विल डिस्कस द थीम्स एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सिंबल. सो ये दोनों भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एग्जाम्स में जब आंसर लिखते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो, तो ये चीज़ें आपको उसमें डालनी पड़ती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएट. सो गाइज, हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएट. तो देखो, जो एलन गिन्सबर्ग है, ही इज एन अमेरिकन पोएट और राइटर. वो एक अमेरिकन पोएट और राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 3 जून 1926 को. ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ बीट जनरेशन. वो बीट जनरेशन के एक बहुत फेमस लीडर रहे थे. बीट लिटरेरी मूवमेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग 1940s एंड 1950s. सो देखो गाइज, जो बीट जनरेशन है, बेसिकली इट वॉज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट था जो कि 1940s एंड 1950s के बीच में स्टार्ट हुआ था अमेरिका में. एंड एलन गिन्सबर्ग बेस्ट नॉन फॉर हिज पोएम हॉल डिनाउंस्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ कैपिटलिज्म इन US. देखो, जो गिन्सबर्ग है वो बेसिकली अपनी एक पोएम के लिए बहुत जाने जाते हैं, जो कि ये हॉल. और देखो, जो ये हॉल है, इसमें वो क्या करते हैं, डिनाउंस्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ कैपिटलिज्म इन US. कैपिटलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, जो कि आप लोगों को पता है, एक था सोशलिज्म, एक था कैपिटलिज्म. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर भी ये चला था, सॉरी कोल्ड वॉर भी ये चीज़ें चली थी. सो एलन गिन्सबर्ग एक्सट्रीमली ओपन अबाउट होमोसेक्सुअलिटी एंड इज सेक्सुअल लाइफ. देखो, जो एलन गिन्सबर्ग है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में ओपनली बातें करते हैं. बेसिकली वो होमोसेक्सुअल थे एंड इज सेक्सुअल आइडेंटिटी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिज पोएट्री. और जो इनकी पोएट्री है, उसमें इनकी जो ये सेक्सुअल आइडेंटिटी है कि वो होमोसेक्सुअल है, वो इनकी पोएट्री की, इनकी पोएम्स की एक सेंट्रल थीम रहती है, सेंट्रल पार्ट रहता है. सो हमें पता लग गया है वो होमोसेक्सुअल थे. एंड ही मूव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, वेयर ही मेट एंड फेल इन लव विद हिज पार्टनर पीटर अंटिल हिज डेथ. तो गाइज देखो, जो हमारे ये पोइट हैं एलन गिन्सबर्ग, ये होमोसेक्सुअल थे और ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं अपने पार्टनर पीटर से, और इन्हें पीटर से प्यार हो जाता है. और मतलब ये पीटर के साथ टिल हिज डेथ, अपनी डेथ तक उसके साथ ही रहते हैं. पीटर इनका पार्टनर था, मतलब पीटर भी होमोसेक्सुअल ही था. सो गाइज, नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम. देखो, इंट्रोडक्शन टू द पोएट हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एलन गिन्सबर्ग थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे. वो एक होमोसेक्सुअल थे, बीट जनरेशन के एक फेमस लीडर थे, उनका फेमस वर्क हॉल था. ये सारी चीज़ें हमने पोएट के बारे में डिस्कस कर ली हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम. सो देखो, दिस पोएम वॉज रिटन बाय एलन गिन्सबर्ग. यहाँ पर मैंने गलती से एल्बर्ट लिख दिया है, एक्चुअली इट वॉज एलन, ALLEN. एलन गिन्सबर्ग ने इस पोएम को लिखा है. और जो स्पीकर है, स्पीकर ही पोएट है एंड जनरली कॉल्स हिमसेल्फ गिन्सबर्ग. देखो, जो गिन्सबर्ग है वो इस पोएम के पोएट है, हमें पता है, लेकिन पोएम के स्पीकर भी वही हैं और वो अपने आप को बेसिकली यहाँ पर जनरली क्या कहते हैं, गिन्सबर्ग. सो गाइज, एलन गिन्सबर्ग रोड दिस पोएम वाइल लिविंग इन बर्कले कैलिफोर्निया इन 1955. सो देखो, जो ये पोएम है, ये गिन्सबर्ग ने 1955 में लिखी थी जब वो कैलिफोर्निया में रहते थे. पब्लिश्ड इन 1956 इन हिज बुक और कलेक्शन, यू कैन से हॉल एंड अदर पोएम्स. सो देखो, जो ये पोएम है, इन्होंने 1955 में कैलिफोर्निया में लिखी, बर्कले में, और इन्होंने इसको पब्लिश किया 1956 में. और इनका जो कलेक्शन है, हमने अभी ऊपर देखा था, हॉल में, जिसमें कि और भी काफ़ी सारी पोएम्स हैं. सो दिस पोएम सेपरेट्स इन 3 stanzas. लाइन्स आर अनराइम्ड एंड वेराइंग लेंथ. सो देखो, जो ये पोएम है, इसमें 3 stanzas हैं और जो लाइन्स हैं वो कोई राइमिंग स्कीम से नहीं चलती हैं, और लेंथ भी उन लाइन्स की डिफरेंट डिफरेंट है. किसी में ज़्यादा वर्ड्स है, किसी में कम वर्ड्स हैं, मतलब कोई ऐसे जो राइमिंग स्कीम इन्होंने यूज़ नहीं की है. एंड मॉडल और अ टाइप ऑफ द प्रोज बिकॉज लॉन्ग सेंटेंसेज आर नॉट अ मार्क ऑफ कन्वेंशनल पोइट्री. सो गाइस देखो, इनकी जो ये पोएम है, इसमें इन्होंने कई जगह पर बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज़ किया है. और जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो प्रोज में होते हैं, पोएट्रीज में नहीं होते हैं, बिकॉज लॉन्ग सेंटेंसेस आर नॉट अ मार्क ऑफ कन्वेंशनल पोएट्रीज. कन्वेंशनल पोएट्रीज में लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होता. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज ऑल्सो एंड क्लियरली ड्रॉज अ लाइन बिटवीन हिम एंड द पीपल लिविंग इन सब अर्बन अमेरिका विद देयर ब्लू ऑटोमोबाइल्स.
सो देखो गाइस, जो गिन्सबर्ग है वो इस पोइट्री में अपने आप में और जो सब अर्बन अमेरिका में उस टाइम पर लोग रह रहे थे उनके बीच में क्लियरली डिफरेंसेस दिखाते हैं, स्पीकिंग एंड एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन। देखो यहाँ पर जो गिन्सबर्ग है वो इस पोएम को एड्रेस करते हैं बात करते हुए किससे, वॉल्ट विटमैन से। वॉल्ट विटमैन जो थे वो 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट थे हुज वर्क ही हैज बीन रीडिंग ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन द पोइट। देखो इस पोएम को जो हमारे पोइट है गिन्सबर्ग एड्रेस करते हैं या फिर उनसे बात करते हुए इस पोएम को लिखते हैं वॉल्ट विटमैन से बात करते हुए। वॉल्ट विटमैन इस पोएम में फिजिकली कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, हमारे गिन्सबर्ग जो पोइट है वो यहाँ पर एड्रेस करते हैं इसको वॉल्ट विटमैन को, इमेजिन करवाते हैं कि हाँ वो वॉल्ट विटमैन से बात कर रहे हैं। और जो वॉल्ट विटमैन थे वो 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट थे जिसका कि हमारे पोइट एलन गिन्सबर्ग पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वॉल्ट विटमैन से गिन्सबर्ग। एंड वॉल्ट विटमैन डाइड इन 1892 एंड इंस्पायर्ड मैनी पोइट जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। देखो इस पोएम को लिखा है गिन्सबर्ग ने, कब लिखा है 1956-57 इस टाइम के पीरियड पर, और जबकि जो वॉल्ट विटमैन थे वो 1892 में उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने काफ़ी सारे पोइट्स को इंस्पायर्ड किया अपनी डेथ के बाद लिखने के लिए। तो सिमिलरली जो गिन्सबर्ग हैं उनको भी यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने बहुत इंस्पायर किया, वॉल्ट विटमैन की पोइट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड थे गिन्सबर्ग और यहाँ पर उन्हीं को ये पोएम एड्रेस करते हुए वो लिखते हैं। एंड गाइस जो पोइट है पोइट वंडर्स वेदर अमेरिका हैज ग्रोन विद कंज्यूमरिज्म एंड अ मनी ओरिएंटेड वे इज डूइंग सो लॉस्ट इट्स वे एंड कैपेसिटी टू लव। देखो जो पोइट है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने कैपिटलिज्म को अपना लिया है, कंज्यूमरिज्म। कैपिटलिज्म पता है आप लोगों को क्या होता है, मनी ओरिएंटेड एक वे होता है जिसमें मेन फोकस जो होता है वो पैसे पर ही रहता है। सो गिन्सबर्ग को ऐसा लगता है कि इस चक्कर में जो अमेरिका है उसने अपनी चीज़ें खो दी हैं। क्या चीज़ें खो दी हैं, कैपेसिटी टू लव इस कंज्यूमरिज्म के कारण। एंड दिस पोएम एंड्स विद एन इमेज ऑफ वॉल्ट विटमैन विच सजेस्ट दैट वॉल्ट विटमैन्स आइडियलिस्टिक एंड रोमांटिक विजन ऑफ अमेरिका इज ऑलरेडी डेड। तो देखो ये पोएम किस तरीके से एंड होती है, ये पोएम एंड होती है वॉल्ट विटमैन की इमेज के साथ, जहाँ पर पोइट दिखाते हैं कि जो वॉल्ट विटमैन थे उनका जो ये ड्रीम था कि जो अमेरिका है वो आइडियलिस्टिक रहे, रोमांटिक रहे, ये जो विजन था वॉल्ट विटमैन का वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो गाइस नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और यू कैन से समरी एंड एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। सो देखो गाइस यहाँ पर मैंने पूरा पोएम को लिखा है, इसमें मैं आप लोगों को समरी एक्सप्लेन करूंगी, देन एनालिसिस के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट थॉट आई हैव ऑफ यू टुनाइट वॉल्ट विटमैन, फॉर आई वॉक डाउन द साइड स्ट्रीट्स अंडर द ट्रीज विद अ हेडेक सेल्फ कॉन्शियस लुकिंग एट द फुल मून। सो गाइस यहाँ पर पोएट गिन्सबर्ग इस पोएम में किसको एड्रेस करते हैं, वो एड्रेस करते हैं वॉल्ट विटमैन को। पोएट कहते हैं कि जब वो आज जा रहे थे गलियों से, पेड़ों के नीचे जो गलियां हैं जब वो उनसे जा रहे थे तो वो देख रहे थे फुल मून को। वो अपने सेल्फ कॉन्शियस माइंड में थे और वो फुल मून की तरफ देख रहे थे तो उन्हें अचानक से किसका ख्याल आ गया, वॉल्ट विटमैन का। और यहाँ पर वो इस पूरी पोएम को वॉल्ट विटमैन को ही एड्रेस करते हैं, पूरी पोएम में वो वॉल्ट विटमैन की बातें करते हैं। सो अचानक से उन्हें मून देखते देखते वॉल्ट विटमैन का ख्याल आ जाता है। एंड ही सेज इन माई हंग्री फटीग एंड शॉपिंग फॉर इमेजेस आई वेंट इन टू द नियन फ्रूट सुपर मार्केट ड्रीमिंग ऑफ योर इन्यूमरेशंस। देखो इन्यूमरेशंस क्या होता है, कोई ऑथर होता है, कोई पोइट होता है, उसके जो वर्क्स की लिस्ट होती है दैट इज इन्यूमरेशंस। तो पोइट यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब गिन्सबर्ग यहाँ पर क्या कहते हैं, इन माई हंग्री फटीग। देखो ही इज हंग्री बट नॉट फॉर फूड, ही इज हंग्री फॉर इमेजेस। गिन्सबर्ग जाते हैं क्योंकि वो हंग्री है इमेजेस के लिए, इसीलिए वो नियन फ्रूट सुपर मार्केट में चले जाते हैं पोइट वॉल्ट विटमैन की इन्यूमरेशंस के बारे में सोचते सोचते। व्हाट पीचेस एंड व्हाट प्यूनुमरास, देखो वहाँ पर मार्केट है, सुपरमार्केट में बहुत सारे पीचेस है। प्यूनुमरास जो है वो मतलब शेडो को यहाँ पर दिखा रही है, शेडो से वो दिखा रही है इस सुपरमार्केट की एक डार्क साइड को। होल फैमिलीज शॉपिंग एट नाइट, देखो सभी फैमिलीज आई हैं रात के टाइम पर यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं। एसलेस फुल ऑफ हस्बैंड्स वाइफ्स इन द एवोकाडोस बेबीज इन द टोमेटोज एंड यू गार्सिया लॉर्सा वट वर यू डूइंग डाउन बाई दी वाटर मेलन्स। देखो यहाँ पर फैमिलीज हैं, फुल फैमिलीज आई हुई हैं, हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं, बेबीज हैं। मतलब यहाँ पर जो ये एवोकेडोज दिखाए गए हैं, टमेटोज दिखाए गए हैं, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इस सुपर मार्केट में फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी है, हर चीज़ अवेलेबल हैं और फुल फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए। गार्सिया लॉर्सा जो है एक स्पेनिश पोइट है, स्पेनिश राइटर है, और गार्सिया लॉर्सा स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम पर भी थे और ये भी एक गे है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि गार्सिया लॉर्सा जो हमारे पोइट है एलन गिन्सबर्ग और जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन, ये तीनों ही होमोसेक्सुअल हैं, मतलब तीनों ही गे हैं।
सो ये गार्सिया लॉर्सा को बोलते हैं व्हाट वर यू डूइंग डाउन बाय द वाटरमेलन. सो यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है विच विल डिस्कस इन द एनालिसिस. आई सॉ यू वॉल्ट विटमैन चाइल्डलेस लोनली ओल्ड ग्रबर पोकिंग अमंग द मीट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड आइंग द ग्रोसरी बॉयज. सो देखो गाइस, क्या तो जो हमारे पॉइंट है गिन्सबर्ग वो वॉल्ट विटमैन को एड्रेस कर रहे थे. अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो वॉल्ट विटमैन के साथ ही सुपरमार्केट में है, कि जो वॉल्ट विटमैन है वो भी सुपरमार्केट में आ गए हैं और वो वॉल्ट विटमैन को क्या बोलते हैं, चाइल्डलेस लोनली ओल्ड ग्रब पोकिंग अमंग द मीट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड आइंग द ग्रोसरी बॉयज. ग्रोसरी बॉयज को वो देख रहे हैं. सो देयर इज समथिंग सस्पिशियस अबाउट इट. आई हर्ड यू आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ ईच, हु किल्ड द पॉक चॉप्स, व्हाट प्राइस बनाना, आर यू माई एंजल. सो यहाँ पर जो गिन्सबर्ग है वो यहाँ पर ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो विटमैन है वो ग्रोसरी बॉयज से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हु किल्ड द पॉक चॉप्स, या जो बनाना है उसका प्राइस क्या है. इस तरीके के क्वेश्चंस वो यहाँ पर पूछते हैं. आई वंडर्ड इन एंड आउट ऑफ द ब्रिलियंट स्टैक्स ऑफ कैन फॉलोइंग यू एंड फॉलोड इन माई इमेजिनेशन बाय द स्टोर डिटेक्टिव. सो देखो गाइस, क्या तो जो वॉल्ट विटमैन है वो सिर्फ पोइट की इमेजिनेशन थे और यहाँ पर वो इमेजिन ये कर लेते हैं कि वो उसके साथ ही मार्केट में घूम रहे हैं, सुपरमार्केट में घूम रहे हैं. तो इमेजिनेशन से वो सीधा सुपरमार्केट के अंदर आ गए हैं और जो गिन्सबर्ग है वो पोइट को फॉलो कर रहे हैं, विटमैन को फॉलो कर रहे हैं. वी स्ट्रोल डाउन द ओपन कॉरिडोर्स टुगेदर इन आर सॉलिटरी फैंसी टेस्टिंग आर्टिचॉक्स पोजेसिंग एवरी फ्रोजन डेलिकेसी एंड नेवर पासिंग दी कैशियर. तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो विटमैन के साथ ही सुपरमार्केट के कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं. एंड दिस लाइन इज वेरी वियर्ड, यू कैन से सॉलिटरी फैंसी, बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉलिटरी फैंसी देयर. एंड वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो कैशियर के पास नहीं जा रहे हैं, कैशियर से बचकर पूरे सुपरमार्केट के कॉरिडोर्स में वो इधर से उधर घूम रहे हैं. और यहाँ पर जो गिन्सबर्ग है वो क्या कहते हैं, वेयर आर वी गोइंग वॉल्ट विटमैन, कि आखिर हम जा कर रहे हैं, हम इस सुपरमार्केट के कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, द डोर्स क्लोज इन एन आर. तो देखो अब जो सुपरमार्केट है उसके बंद होने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए विटमैन से पूछते हैं गिन्सबर्ग वेयर आर वी गोइंग, कि अब खत्म होने के बाद, मतलब बंद होने के बाद सुपरमार्केट, कि हम कहाँ जाएंगे. कॉरिडोर्स में हमने घूमकर बहुत बातें कर ली हैं, इमेजिन कर लिया है, अब सुपरमार्केट के बंद होने के बाद हम कहाँ जाएंगे. विच वे डज योर बियर्ड पॉइंट टू नाइट. और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं पूछता है गिन्सबर्ग विटमैन से, वो आगे भी इस इमेजिनेशन को और इस बातचीत को जारी रखते हैं. वो क्या कहते हैं, विल वी वॉक ऑल नाइट थ्रू सॉलिटरी स्ट्रीट्स, कि आज पूरी रात हम गलियों में ही घूमते रहेंगे. द ट्रीज एट शेड टू द शेड लाइट्स आउट इन द हाउसेज विल बोथ बी लोनली, कि हम आज पूरी रात गलियों में ही घूमते रहेंगे. विल वी स्ट्रोल ड्रीमिंग ऑफ द लॉस्ट अमेरिका ऑफ लव पास्ट ब्लू ऑटोमोबाइल्स इन द ड्राइवेज होम टू आर साइलेंट कॉटेज. सो पॉइंट क्या कहते हैं, विल वी स्ट्रोल ड्रीमिंग ऑफ द लॉस्ट अमेरिका ऑफ लव पास्ट ब्लू ऑटोमोबाइल्स. देखो जो लोग हैं कुछ तो अपने घरों में साइलेंट कॉटेज, मतलब कुछ सो गए हैं, ब्लू ऑटोमोबाइल्स मतलब ड्राइवेज जो होते हैं वो, कि मतलब आज हम ऐसे ही घूमते रहेंगे. आह डियर फादर, ग्रे बियर्ड, लोनली ओल्ड करेज, टीचर, What America did you have when Charon quit calling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear the black waters of Lethe. So देखो guys, यहाँ पर जो गिन्सबर्ग है वो पोइट से कुछ questions पूछते हैं. वो पूछते हैं कि मतलब विटमैन, when you have Charon, Charon जो है वो basically होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. Charon एक फेरी मैन होता है, जो लोग मर जाते हैं उनकी सोल को ये लेकर जाता है. तो यहाँ पर यही पूछ रहा है गिन्सबर्ग कि जब अमेरिका से तुम गए, मतलब जो Charon है जब वो तुम्हारी सोल अमेरिका से लेकर गया, तब ये अमेरिका कैसा था. एंड स्टूड वॉचिंग द बोट डिसअपियर ऑन द ब्लैक वाटर्स ऑफ लेथे. देखो लेथे जो है ये मतलब रिवर है, जिसका पानी पीने से जो इंसान है उसकी सारी मेमोरी जो है वो भूल जाता है. सो ये तो था इसकी समरी. नाउ आई डिस्कस अबाउट द एनालिसिस. सो इसको आप ध्यान से समझना, बिकॉज समरी तो ठीक है, इट इज अनदर थिंग, बट वेन यू विल राइट इन योर एग्जाम्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एनालिसिस. एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर यूज हुए, किस तरीके की लैंग्वेज है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. सो यहाँ पर मैंने कुछ समरी के पॉइंट्स भी डाले हैं. सो अगर आप लोग को समरी अभी ऊपर क्लियर ना हुई हो तो यहाँ पर बच्चे से क्लियर हो जाएगी. देखो, गिन्सबर्ग यूज्ड एपोस्ट्रॉफी थ्रू आउट द पोयम एड्रेस्ड टू अ कैरेक्टर हु इज नॉट लिटरली प्रेजेंट एंड कैन नॉट आंसर. यस, जो गिन्सबर्ग है उन्होंने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया है. उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को यहाँ पर एड्रेस किया है जो कैरेक्टर ना तो यहाँ पर लिटरली प्रेजेंट है और जो कैरेक्टर ना ही यहाँ पर आंसर दे रहा है. वो कौन है, वॉल्ट विटमैन है. स्पीक्स टू अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 में हुआ और 92 में उनकी डेथ हो गई. ही ऑल्सो स्पीक्स टू स्पेनिश पोइट फेडरिको गार्सिया लॉर्सा. सो वो यहाँ पर दो पोइट का एड्रेस करते हैं, विटमैन को और गार्सिया लॉर्सा को. शॉपिंग फॉर इमेजेस, येस पोइट इज शॉपिंग फॉर इमेजेस. वो अपनी पोएम्स के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं कि उन्हें कोई इमेज मिल जाए जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिले और वो पोएम लिख सके. सो पोइट इज शॉपिंग फॉर इमेजेस, परहैप्स लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएम्स.
स्टांसा टू इज मोर पर्सनल. स्टांसा वन में तो उन्होंने एड्रेस किया, इन स्टांसा टू इट इज मोर पर्सनल. पोइट इमेजिन्स विटमैन इन दिस सुपर मार्केट. पोइट जो है वो सुपर मार्केट में चले जाते हैं एंड इन स्टांसा टू इमेजिन्स दैट वॉल्ट विटमैन इज विद हिम. जो वॉल्ट विटमैन है वो उनके साथ ही हैं. इन दिस पोएम ही सजेस्ट अ सेंस ऑफ लॉनलीनेस. जो ये पोएम है इसमें जो गिन्सबर्ग है वो एक लॉनलीनेस दिखाते हैं जब वो एड्रेस करते हैं विटमैन को कि आप जो है वो पॉक चॉप्स हैं वहाँ पर लोनली हैं, अकेले हैं, अलोन हैं, वहाँ आप कर क्या रही हैं. सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉनलीनेस हमें देखने के लिए मिली है. एंड इन स्टांजा वन विटमैन वाज अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम. देखो जो स्टांजा वन है उसमें एलन गिन्सबर्ग विटमैन को किस तरीके से एड्रेस करते हैं कि विटमैन उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसे पोएट है जिससे उन्हें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है. बट इन स्टांजा टू ही बिकम्स अ फ्रेंड. स्टांजा वन में तो वो एक पोएट थे जिससे गिन्सबर्ग कुछ सीखना चाहते हैं, बट इन स्टांजा टू वो इमेजिन करते हैं कि सुपर मार्केट में विटमैन भी उनके साथ है, मतलब विटमैन उनका फ्रेंड बन गया है. इन स्टांजा टू वी नोटिस्ड अ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर. ये स्टांजा थ्री में कॉम्प्लिकेटेड सा मिक्सचर है. वो बोलते हैं कि सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया, यहाँ से हम बाहर जाएंगे. उसके बाद वो पूछते हैं कि जब उनकी डेथ हुई थी उन्होंने किस तरीके के अमेरिका का सोचा था, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पर एक स्टांजा थ्री में मिक्सचर था. दिस पोएम इज अ सर्वे ऑफ द लॉस्ट अमेरिका ऑफ लव. येस यू कैन से कि जो ये पोएम है ये एक सर्वे कह सकते हो लॉस्ट अमेरिका ऑफ लव कि जो अमेरिका था उसमें जो लव था दैट लव इज नो मोर बिकॉज वहाँ पर अब क्या आ गया है, कंज्यूमरिज्म. अमेरिका हैज नॉट इनहेरिटेड इट्स पास्ट वर्च्यूज एंड हैज बीन फॉरगेटन हिज आइडियल ऑफ वॉल्ट विटमैन. यस जो अमेरिका है उसने कुछ भी अच्छी चीज़ें इनहेरिट नहीं की हैं पास्ट से, वो सभी आइडियल चीज़ें भूल चुके हैं या जो भी आइडियल चीज़ें वॉल्ट विटमैन ने बताई थी दे हैव बीन फॉरगेटन ईच एंड एवरीथिंग. जो विटमैन है ही टॉट लव एंड अफेक्शन बट मॉडर्न अमेरिका कुड नॉट लर्न हिज वैल्यूज. गिन्सबर्ग मेटाफोरिकली सेज चाइल्डलेस. देखो जो विटमैन है उनका सपना था, मतलब उन्होंने सिखाया हमेशा लव अफेक्शन ये चीज़ें अमेरिका में लव, लेकिन जो विटमैन की ये चीज़ें थी जो वैल्यूज़ उन्होंने ये दी उसको अमेरिका ने मॉडर्न अमेरिका ने नहीं अपनाया. एंड सुपरमार्केट इज एन आइकन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस. यस वॉकिंग डाउन इन अ स्ट्रीट इज इम्पॉर्टेंट सेटिंग हियर ही फील्स पुल्ड बाय टू साइड्स ऑफ हिज लाइफ. देखो गाइस वॉकिंग डाउन जो है मतलब ये स्ट्रीट में जब घूम रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेटिंग हियर बिकॉज यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं वो कि वो लाइफ के दो साइडों पर हैं. वन इज अर्बन लैंडस्केप वाइल अनदर इज नेचुरल वर्ल्ड सिंबलाइज्ड बाय ट्रीज एंड मून. अमेरिका में क्या आ गया, कंज्यूमरिज्म, जिसको कि यहाँ पर ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि हम दो लैंडस्केप में हैं, एक लैंडस्केप है अर्बन लैंडस्केप और दूसरा लैंडस्केप है नेचुरल जहाँ पर ट्रीज हैं, मून है, और जबकि अर्बन में क्या है, सुपर मार्केट है जो कि रात तक चकाचौंध से भरी रहती हैं. विटमैन्स इन्यूमरेशन मीनिंग दैट ही होप्स द सुपर मार्केट विल होल्ड अ ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड विटमैन स्पोक इन हिज पोएट्री. देखो विटमैन्स इन्यूमरेशन मतलब विटमैन के क्या वर्क्स थे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं गिन्सबर्ग कि जो ये सुपर मार्केट है इस सुपर मार्केट को कुछ तो ऐसी होप्स रखनी चाहिए जो कि विटमैन ने अपनी पोएट्रीज में बताई थी. हैडेक सेल्फ कॉन्शियस बिकॉज ऑफ हिज होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी दैट ही कैन नॉट प्रोक्लेम हिज सेक्सुअल प्रेफरेंसेज ओपनली. इस टाइम पर ये अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी थी, इनकी होमोसेक्सुअल जो आइडेंटिटी थी, इसको ये ओपनली नहीं बता पा रहे थे बिकॉज उस टाइम पर लोगों की ये प्रेफरेंसेज नहीं होती थी, इसीलिए वो सेल्फ कॉन्शियस और हैडेक वाले माइंड में होते हैं. हंगर परहैप्स नॉट फॉर फूड बट फॉर अ सेक्सुअल पार्टनर. जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये हंगर सेक्सुअल पार्टनर के लिए हो सकती है या फिर ये हंगर हो सकती है कि वो जा रहे हैं सुपर मार्केट में ताकि उन्हें कुछ आइडियाज मिल जाएंगे. नियॉन मार्केट या नियॉन मीन्स अ हार्श फॉल्स लाइट इन एविटेबल डिसअपॉइंटमेंट. कि ये जो लाइट है ये लोगों को सिर्फ झूठे वादे दिखा रही है. बाहर से हम सुपरमार्केट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अंदर जाकर उसके प्राइजेस इतने हाई होते हैं या फिर इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, लोग अट्रैक्ट होकर बहुत सामान खरीद लेते हैं. सो इट इज़ कंज्यूमरिज्म. एंटर्स दिस सुपर मार्केट होपिंग टू फाइंड द नेचुरल ब्यूटी बियॉन्ड मॉडर्न सोसाइटी बट उल्टा ही होता है. सुपर मार्केट में जाकर तो उन्हें और भी मॉडर्न चीज़ें दिखती हैं. एंटर्स इन टू द सुपर मार्केट सो दैट ही कैन फाइंड अ मेल पार्टनर बट द सुपर मार्केट इज फुल ऑफ हैप्पी हेट्रोसेक्सुअल फैमिलीज. देखो जहाँ पर वो दिखाया था बेबीज टमेटोज वाला या फिर अवेकेडोज वाइफ वाला, वो क्या था, वहाँ पर फुल फैमिलीज आई हुई थी. उस टाइम पर होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी या होमोसेक्सुअल प्रेफरेंसेज लोगों की नहीं थी. फैमिलीज कैसी थी, हेट्रोसेक्सुअल फैमिलीज थी. होमोसेक्सुअल फैमिलीज के लिए कोई जगह नहीं थी. अमेरिकन कंज्यूमरिज्म डिड नॉट स्पेयर चिल्ड्रन. अमेरिकन कंज्यूमरिज्म ने बच्चों को भी नहीं बख्शा. फ्रूट्स मैंशनड और ऑल्सो इंटरेस्टिंग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. जो यहाँ पर ये फल दिखाए गए थे अवेकेडोज, ये जो है कमर्शियल पर्पसेस से ही उगाए जाते हैं. पियर न्यूमराज मीनिंग श्राउड और अ पार्शियल इल्यूमिनेशन डेजिग्नेट दी सीक्रेट्स. तो ये जो है ये एक श्राउड कह सकते हो जो कि सीक्रेट्स को
छुपा रहा है, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ पार्शियल इल्यूमिनेशन. होल फैमिली शॉपिंग, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी डिमांडेड द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट न्यूक्लियर फैमिली. देखो अब जो हमारा कल्चर है वो जॉइंट फैमिली वाला नहीं रहा है, अब कैसी फैमिलीज होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती हैं. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो फैमिली है वो अलग अलग जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, एजुकेशन और प्रेफरेंसेज. सो सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो फैमिलीज हैं वो कैसी हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली को ही परफेक्ट फैमिली माना जाता है. लॉर्सा प्रेजेंस इज अ सिम्बॉलिक, नो स्पेस फॉर पीपल लाइक हिम. देखो जो लॉर्सा है वो वाटर मेलन के नीचे छिपे हुए थे, मैंने आपको बताया था, मैं एनालिसिस में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगी. सो जो गार्सिया लॉर्सा है वो वाटर मेलन के नीचे क्यों छुपे हुए थे, बिकॉज ही वॉज अ गे, होमोसेक्सुअल थे और होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी मतलब नहीं एक्सेप्टेबल थी उस टाइम पर. सो वो इसीलिए छुपे हुए थे बिकॉज देर वॉज नो स्पेस फॉर पीपल लाइक हिम. पीपल लाइक हिम मतलब होमोसेक्सुअल लोगों के लिए. यूज सुपर मार्केट इमेजरी टू डिनोट अ प्राइमल काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी, हिज सेक्सुअल फॉन्डनेस ऑफ बॉयज. यहाँ पर सुपर मार्केट में जो पोइट है वो दो पोइट को लेकर आते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, होमोसेक्सुअल, और पोइट भी होमोसेक्सुअल है, तो वो अपने काइंड की सेक्सुअलिटी को यहाँ पर दिखा रहे हैं. एंजल, वॉल्टर बेंजामिन्स वर्क द एंजल ऑफ अ हिस्ट्री इज अ मार्क्सिस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दैट प्रेडिक्टेड दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ मॉडर्निटी वुड बी नथिंग बट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन. विटमैन हैड अ सिमिलर विजन. देखो जो एंजल यहाँ पर आपको दिखाया गया था, हु वॉज एन एंजल, इस तरीके से कुछ था. सो ये बेसिकली जो है एंजल ऑफ अ हिस्ट्री एक मार्क्सिस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट था जो कि ये कहता था कि अगर मॉडर्निटी हद से ज़्यादा आई या फिर जो मॉडर्निटी आ गई उसका फाइनल रिजल्ट क्या होना है, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. जो ये सिविलाइजेशन है इसका एंड ही मॉडर्निटी की वजह से होगा, मॉडर्निटी अगर आई तो वो इस सिविलाइजेशन का एंड का रीज़न बनेगी. और यही सेम विजन विटमैन का था, विटमैन के अकॉर्डिंग भी मॉडर्निटी जो है वो सिविलाइजेशन का एंड का रीजन बनेगी. सॉलिटरी स्ट्रीट सिंबलाइजेज द लॉस्ट अमेरिका, कार एंड डार्क हाउसेज विल लीड दैम टू लोनलीनेस. ये सॉलिटरी स्ट्रीट्स जो है वो लॉस्ट अमेरिका को सिंबलाइज कर रहे हैं. एंड ही रियलाइजेज दैट द स्टोरी इज अबाउट टू क्लोज, थिंग्स वेयर दे विल गो आफ्टर द शॉप क्लोज. देखो जो मार्केट है सुपर मार्केट वो बंद होने का टाइम हो जाता है तो वो यही डिसाइड करते हैं कि शॉप्स के बंद होने के बाद वो कहाँ जाएंगे. एंड लेथे इज अ रिवर एंड चेरन इज अ फेरीमैन हु ब्रॉट द सोल्स ऑफ द डेड अक्रॉस द रिवर. मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, दिस इमेजरी इम्प्लाइज द लॉस ऑफ अ ड्रीम एंड फॉरगेटफुलनेस. यस, जो विटमैन का ड्रीम था वो भूल गए हैं, फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि उन्होंने जो ये रिवर थी लेते इसका पानी पी लिया और जो उनकी मेमोरीज थी वो चली गई. गिल्बर्ट मॉन्स दिस ड्रीम ऑफ मेंटर. उनका मेंटर यहाँ पर कौन है, विटमैन. सो गिल्बर्ट जो है वो इस ड्रीम को मॉन करते हैं. मूवमेंट ऑफ मॉडर्न अमेरिका टूवर्ड्स द डार्कनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कन्फर्मिटी. जो गिल्बर्ट है वो ये मानते हैं कि जो ये मॉडर्न अमेरिका की मूवमेंट है, मतलब जो ये अमेरिका मॉडर्न हुआ है, इट इज़ नथिंग बट द डार्कनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, वही है ये और कुछ नहीं है. सो गाइज ये थी इसकी समरी और एनालिसिस. नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स. डिससेटिस्फेक्शन विद अमेरिका, अमेरिका के साथ डिससेटिस्फेक्शन है कि उसमें कंज्यूमरिज्म आ गया है, इस चीज़ से जो क्वाइट है वो बहुत ज़्यादा नाराज से दिख रहे हैं. आइसोलेशन और लोनलीनेस बिकॉज ऑफ देयर होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी, वो ओपनली सामने नहीं आ पा रहे हैं. देयर इज लोनलीनेस, देयर इज आइसोलेशन. सेक्सुअल आइडेंटिटी और होमोसेक्सुअलिटी, यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हमने थ्रू आउट द पोएम देखा ही है. कंज्यूमरिज्म भी, कि किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इमेजिनेशन, पोएट की इमेजिनेशन की वजह से ये पूरी पोएम बनी है. सो ऑल दीज आर द थीम्स ऑफ दिस पोएम. देन सिंबल इसका है सुपर मार्केट, जिसमें कि तरह तरह की चीज़ें भरी पड़ी हैं. सो गाइज दिस इज द समरी और यू कैन से कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया. ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई बिकॉज आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये नहीं देखती कि बड़ी हो रही है, बस मुझे ये होता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से वो चीज़ क्लियर हो जाए. और अगर अभी आप लोगों के कोई भी डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इधर ऑन माई फेसबुक पेज, एंड नाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. सो मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इससे मुझे करेज मिलता है कि हाँ मैं और वीडियोज़ बनाऊँ. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू नॉवल, न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.